हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर सिक्स में हम लोग द सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है ऑफ क्लाइमेट चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा और डिटेल अंडरस्टैंडिंग जाना चाहते हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। नाउ इसमें हम लोग 2 सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, द कोल्ड वेदर सीजन एंड द हॉट वेदर सीजन। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। द कोल्ड वेदर सीजन इट बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थ इंडिया टिल फरवरी। ठीक है, यानी कि नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है हमारा कोल्ड वेदर सीजन और आता है टिल फरवरी तक। ठीक है, इन कोस्टल रीजन्स टेम्परेचर इज मॉडरेट। ठीक है, एंड इन नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो रिवर्स होते हैं, ये जो प्लेन्स होते हैं ना, वो सी से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे एयर टूवर्ड्स द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड आउट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूव करता है ड्यू टू द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, हम लोग कह सकते हैं उस चीज़ को। और इसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है ना वो मेनटेन रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं हो पाता जैसा हमारा इंटीरियर नॉर्दर्न प्लेन में हो जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टोटल इन एंड आउट ऑफ एयर इन नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कोस्टल रीजन में हमारा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काम करता है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है। तो इन विंटर सीजन हिमालय के पास स्नोफॉल होता है और जो होता है ना फ्रस्ट, मतलब तो कोहरा कहते हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया यहाँ हम लोग फील करते हैं। ठीक है, फील करते हैं। नाउ हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना उसके उस पर, ठीक है, दैट इज़ द हिमालय के साउथ में। ठीक है, हिमालय के यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय के साउथ में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करने लगता है। तो इन विंटर सीजन जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है ना वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जो लो प्रेशर है वो मॉइस्चरस एयर कैरी करता है, और ये जो मॉइस्चरस एयर है वो इस मेडिटेरेनियन रीजन से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुँचाने का काम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, दीज आर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है डेट फ्लो इन द साउथ ऑफ हिमालयाज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये जो पानी होता है ना, ये जो इरीगेशन, ये जो स्नोफॉल रेनफॉल होता है वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस रेनफॉल को हम लोग लोकली कहते हैं महावत। ठीक है, जो लोकल पीपल होते हैं ना इंडिया के, तो इसे इस रेनफॉल को बोलते हैं, इस विंटर रेनफॉल को हम लोग महावत कहते हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी, यानी कि लैंड से सी की ओर। ठीक है, लैंड से सी की ओर फ्लो करना शुरू हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, एंड दैट क्रिएट्स ड्राई क्लाइमेट। ओके, ड्राई कोल्ड क्लाइमेट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, बिकॉज द कोस्टल रीजन्स फेस मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सी। ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, ये हमारा मालाबार कोस्ट हो गया, तुम्हारा नॉर्दर्न किटकार्स हो गया, ये सब ऑलवेज मॉडरेट क्लाइमेट को फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और है बात की, जो तमिलनाडु रीजन होता है ना, जो तमिलनाडु रीजन होता है वहाँ पे जो सी से लैंड की ओर रेनफॉल, सी से लैंड की ओर जो मॉइस्चरस रिच एयर होता है ना फ्लो करता है, इसी वजह से तमिलनाडु कोस्ट के पास रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बिकॉज द विंड फ्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है, सी टूवर्ड्स द लैंड इन तमिलनाडु फ्लो करता है, इस वजह से यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट पर रेनफॉल होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानेंगे द हॉट वेदर सीजन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई। ठीक है, एम एम से याद रख सकते हैं, इट बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई। ठीक है, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी जो ग्लोबल हीट बेल्ट होते हैं, जैसे आई टी सीजन जो होता है ना, वो गंगेटिक प्लेन पर फ्लो करता है।
जब हमारे यहाँ समर होता है ना, जब हमारे यहाँ समर होता है तो जो हमारा आईटी सीजन होता है ना वो गंगेटिक प्लेन पे फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ ग्लोबल हीट बेल्ट। जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो होते हैं ना यहाँ पर आकर के कॉन्वर्ज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर कॉन्वर्ज करते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा जो आईटी सीजन है ना वो गंगेटिक प्लेन पे शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है कि ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट रिसीव्स हाईएस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो हमारा राजस्थान गुजरात है, ठीक है, राजस्थान गुजरात है ना, तो मध्य प्रदेश कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, यानी ये सब जो एरिया है वो वहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, दैट रेंजेस फ्रॉम 38 टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट हियर ऑल्सो ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कोस्टल रीजन्स फ्रॉम द सी एंड लैंड द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, ओके। यहाँ भी वही था कि ये एक्सट्रीम विंटर को फेस नहीं करता है, ये भी एक्सट्रीम समर को फेस नहीं करता बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, ओके, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम सी, ठीक है। सी से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो जो है एक्सट्रीम हार्श वेदर को फेस नहीं करते, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है, 25 to 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिमालय शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो नॉर्थ ऑफ हिमालय शिफ्ट हो जाता है, और जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होते हैं ना, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फ्लो करने लगते हैं, जो दैट क्रिएट्स लो प्रेशर इन समर सीजन। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। दैट्स वाई विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। बट इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हाई प्रेशर पर होता है इन विंटर सीजन, और लो प्रेशर पर होता है हमारा इंडियन ओशन। तो विंड जो होते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं लू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज लू? लू आर द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी जो लू होता है ना वो हवाएं होती हैं जिसके पास बहुत, दे आर वेरी मच ड्राई, ठीक है, दे आर वेरी मच ड्राई एंड दे आर वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, जो हमारे इंडियन सब इंडियन के इंडिया के नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हैं। और यहाँ पर डस्ट स्ट्रॉन्ग फ्लो करता है, that lowers the temperature and bring light rain and cold breeze, ठीक है, that lowers the temperature and that brings light rain and cold breeze, ठीक है, dust storm flow करता है, okay friends। तो अभी के लिए इतना ही, मैं lecture number 6 upload कर 7 upload करूँगा जिसमें मैं पूरा chapter complete कर दूँगा, और मैं इस chapter से related notes भी share करूँगा आपके साथ। तो please support करिए channel को, like और subscribe जरूर करिएगा।